मध्य प्रदेश में कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। 2020 में सिंधिया की बगावत के चलते राज्य की सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस इस बार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के भरोसे सत्ता में वापसी की राह तलाश रही है। भले ही कांग्रेस एकजुटता का दावा करे, लेकिन संगठन में कमलनाथ दिग्विजय के फैसले ही सर्वोपरि हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए बेताब है, तो बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखने की जंग लड़ रही है। इसके लिए कांग्रेस ने कमलनाथ के चेहरे को आगे कर रखा है, तो दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे रहकर सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति का ये हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि एमपी का राजनीतिक मिजाज हिंदुत्व के रंग में चढ़ा हुआ है। यही वजह है कि कमलनाथ फ्रंट फुट पर तो दिग्विजय बैकडोर से संगठन को मजबूत करने को हारी सीटों पर फोकस कर रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के धुरी बने हुए हैं, लेकिन दोनों ही उम्र में लगभग बराबर हैं। 76 साल के दोनों कांग्रेस नेता राज्य में दूसरे नेताओं पर भारी पड़ते हैं। दोनों का गांधी परिवार के साथ अच्छा तालमेल है। पिछले साल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होना था, तब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने से पहले तक कमलनाथ दिग्विजय सिंह का नाम अध्यक्ष पद के दावेदारों में भी लिया जाता था। दोनों के सियासी सफर पर अगर नजर डालें तो कानपुर के एक स्थापित व्यवसायी परिवार में जन्मे कमलनाथ ने अपने सियासी सफर की शुरुआत 1980 में सांसद के तौर पर की थी। तब वो लगातार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। कमलनाथ राष्ट्रीय राजनीति में अधिक सहज रहे और खुद को प्रदेश की सियासत से दूर रखे हुए थे। वो हमेशा कॉरपोरेट और इंडस्ट्री सेक्टर के दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। कमलनाथ खुद एक बिजनेस टाइकून है। एक समय वो देश के सबसे अमीर सांसदों में से एक थे। फिर 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 2019 में विधानसभा उपचुनाव लड़ा और विधायक बने, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए वो विधायक नहीं थे। छिंदवाड़ा का ये विधानसभा क्षेत्र उस लोकसभा क्षेत्र का भी हिस्सा है जो मोदी लहर का सामना कर चुकी है। अब छिंदवाड़ा लोकसभा से फिलहाल कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ सांसद हैं। दिग्विजय सिंह का सियासी सफर देखें तो दिग्विजय सिंह ने 1960 के दशक के अंत में राघोगढ़ नगर पालिका से अध्यक्ष के तौर पर अपना करियर शुरू किया। 1977 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने 2019 की लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से वो हार गए थे। दिग्विजय 1993 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पैदल नर्मदा परिक्रमा की सत्ता चलाने और संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। इसलिए कमलनाथ सरकार में भी कहा जाता था कि पर्दे के पीछे से सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। दिग्विजय सिंह ज्यादातर क्षेत्रों के स्थानीय नेताओं को नाम से जानते हैं, जबकि कमलनाथ के साथ ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह सार्वजनिक मंचों और मीडिया में आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व की आलोचना करते हैं। भगवा आतंकवाद, पुलवामा हमले और बाटला हाउस मुठभेड़ के बारे में दिग्विजय के आरोपों पर सवालों ने कई बार कांग्रेस को एक अजब सी स्थिति में डाल दिया था। पार्टी को कभी कभी उनकी टिप्पणियों से खुद को दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि कमलनाथ ऐसे विवादित मुद्दों पर टिप्पणी करने से बचते हैं। संगठन में नियुक्ति पर भले ही किसी नेता की सिफारिश हो, लेकिन कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी ही फाइनल फैसला करती है। इसकी वानगी प्रदेश में जिला अध्यक्षों की हुई नियुक्ति पर भी देखने को मिली थी। इंदौर भोपाल सहित कई क्षेत्रों में पैच फंसे थे, आखिर में चली कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी की ही थी। ऐसी ही कुछ झलक टिकट वितरण में भी देखने को मिलेगी। वैसे जन आक्रोश यात्रा का दूसरे नेताओं को जिम्मा दिया गया है और कमलनाथ दिग्विजय अतिथियों की तरह शामिल हुए। जन आक्रोश यात्रा में अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया और जीतू पटवारी ने यात्रा का नेतृत्व किया। पूरा समय यात्रा में रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह कमलनाथ बतौर अतिथि कहीं ना कहीं शामिल होते रहे। अब ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि कमलनाथ दिग्विजय के सहारे ही कांग्रेस सत्ता में वापसी की तैयारी में है और दिग्गी कमलनाथ की जोड़ी ही संगठन में सर्वे सर्वा है।